नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। गोलकुंडा पुलिस ने सरखा करने वाले मियां बीवी को किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में आज एक प्रेस मीट मुनाकिद की गई, जिसमें इंस्पेक्टर फैयाज ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मकानों में सरखा करने वाले मियां बीवी को आज आसिफ नगर जेबाबाग के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से एक कंप्यूटर, CPU, UPS, स्कैनर, कीबोर्ड, ड्रिल मशीन सेट, लैपटॉप, सैमसंग LED 40 इंचेस, 12.5 तोले सोना, 20 तोला चांदी और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल जब्त करके इन दोनों पर एक केस दर्ज करके अदालती तहवील में दे दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन और मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के जरिए ये लोग पर इल्जाम लगाकर 2 बार जेल भेजा गया था। शहबाज बाबा के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। का हादसा पेश आया है, वो चोरी हादसे के लिए हमारे क्राइम टीम ने क्रूज के लिए वर्कआउट कर रहे थे। आज हमको मालूम हुआ कि वो चोर, एक चोर बल्लम प्रभाकर नामकारी एक चोर ने इस चोरी करके अपने पास ये सामान जब्त कर लिया है। उसके क्रूज पे वासुदेव SI और उनके टीम, क्राइम टीम ने आज सुबह अपने बल्लम प्रभाकर के घर पे दावा करके जो भी चोरी का माल है वो बरामद कर लिया है। बल्लम प्रभाकर और इसके अहल्या को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। पहले से कुछ केसेस है? हाँ, इसके मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में 5 केसेस में ये पुराना चोर है और मलकाजगिरी का भी एक केस इसके ऊपर दर्ज कर दिया गया। इसका नाम और क्या काम करता सर? बल्लम प्रभाकर इन होटल में काम करता रहता। ये लोगों का मेन मोडस ऑपरेंडी ये है कि घर अगर कभी भी चोरी करे तो घर का पूरा सामान ये लोग अपने ऑटो ट्रैली में लेके चले जाते रहते हैं। जैसे LED और जो भी आइटम्स है पूरे लेके चले जाते। और बाजू पड़ोसन को शक नहीं आना कि ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। दोनों सब ये वाइफ और हस्बैंड देख के PDF में देखने के लिए प्रपोज कर रहे हैं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली।